बढ़ते मरीजों की संख्या और उन्हें अच्छा इलाज उपलब्ध कराए जाने को लेकर झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में 63 नई नर्सों की भर्ती हुई है। जी हाँ, या यूँ कहा जा सकता है कि झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज को 63 नई नर्सेज का स्टाफ मिला है। सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में सभी स्टाफ पहले दिन नौकरी ज्वाइन करने पर बहुत ही उत्साहित दिखा। पुरुष व महिला स्टाफ को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर NS सिंगर ने कार्यनिष्ठा की शपथ दिलाई और अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं भी दी है। आइए बात करते हैं उन सभी नर्सों से और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से जिन्होंने आज अपने इस अनुभव को हमारे साथ शेयर किया है। आप जो देखें कि नर्स का इंडक्शन हुआ है, आज करीब 63 की नियुक्ति हुई है। मेडिकल कॉलेज झांसी में ज्वाइन किया है। प्रदेश स्तर पर 3,105 नर्सेस पारदर्शिता पूर्वक संविधान की नीतियों का पालन करते हुए, आरक्षण नीतियों का पालन करते हुए ईमानदारी से नियुक्ति हुई है। इस तरह की नियुक्तियाँ मैंने अपने जीवन काल में पहली बार देखी है। डॉक्टर, अभी आपने शपथ भी दिलाई है, क्या शपथ थी और किस तरीके से उसका अनुपालन करें? देखिए सर, मैंने दो तरह की शपथ दिलाई है। एक तो संविधान के प्रति निष्ठा रखने का शपथ दिलाई है। दूसरी व्यक्ति शपथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की है शपथ, कि आप शौक से रखेंगे, सभी को गंदा गंदगी फैलाएंगे, न गंदगी होने देंगे। इस पे मेडिकल मेरा नाम शालिनी गुप्ता है, मैं बीएचएल झांसी से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने झांसी मेडिकल कॉलेज में जो परमानेंट पोस्ट पे ये जॉब पाया हुआ है। इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब किया करती थी और इस सब के लिए मैं अपनी फैमिली, अपनी फैकल्टीज़, अपने सीनियर्स का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है। थैंक यू जी। मेरा नाम निधि कुशवाहा है, मैं यहाँ पे नई आयोग से मैं नई नियुक्ति पाई हूँ और मैं योगी सरकार का और अपने इस मेडिकल परिसर का दोनों का धन्यवाद करती हूँ, जिससे मुझे यह मौका मिला आने का। और मैं आगे चल के जितना भी कोशिश करूँगी, अच्छा कार्य करूँ, मैं अपने मेडिकल कॉलेज का नाम रोशन करूँ, मैं अपने प्रिंसिपल सर, मैट्रिन, जो भी मुझसे अपेक्षाएँ करते हैं, मैं उसके प्रति अपना पूरी निष्ठा से अपना कार्य पूर्ण करूँगी। जी, मेरा नाम आकांक्षा मार्टिन है, मेरी अभी न्यू मेडिकल कॉलेज झांसी में पोस्टिंग हुई है। मैं 1.5 साल से इसके लिए प्रिपरेशन कर रही थी। मैं यहाँ की फैकल्टी का थैंक यू करती हूँ, योगी सरकार जी का। रिजल्ट आने में थोड़ा डिले हुआ बट फिर भी हम लोग की परमानेंट जॉब लग गई। मैं पूरी निष्ठा से यहाँ काम करूँगी और पूरे हद तक जहाँ तक हमसे हो सके पेशेंटों की सेवा करूँगी। थैंक यू। मेरा नाम प्रवीण कुमार राठौर है, मैंने झांसी से राघवेंद्र नर्सिंग कॉलेज से GNM पास किया है 2020 में, और उसके बाद वैकेंसी आई UPSC स्टाफ नर्स की, तो मैंने उसका एग्ज़ाम दिया और मैं सफल हुआ। इस वैकेंसी के लिए मैं प्रशासन का, सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये परीक्षा पास करने में, ये ट्रेनिंग करने में मेरे माँ बाप का, मेरे परिवार का और मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे गुरु हैं, उनका बहुत बहुत योगदान रहा है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत अच्छा महसूस, बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ मैं यहाँ पहुँच के। जो मैं चाहता था, मेरे परिवार की, मेरे सब लोगों की जो भी इच्छा थी, वो सफल हो गए वो लोग। ये जो सक्सेस है, मेरे परिवार की सक्सेस है।